अस्सलाम वालेकुम माई डियर स्टूडेंट्स, आप डी कॉम पार्ट सेकेंड इंग्लिश शार्ट हैंड एंड अकाउंट्स ग्रो। टुडे माई टॉपिक इज आर्टिकल। यू नो You know, in English, a and the are known as article. First of all, I will tell you about the use of an. Such single words as create vowel sound. An is used before such single words as create vowel sound. For example, an MA, an honest, an SA, an SDO, an MBA, an unfaithful, etc. कि वो वाहिद लफ्ज़ जो शुरू शुरू में वावल यानी अलिफ की आवाज़ पैदा करें तो उनसे पहले एन का इस्तेमाल होगा, चाहे वो कॉन्सोनेंट भी क्यों ना हो। इट इज नॉट नेसेसरी दैट दे मस्ट बी वावल, बट इट इज नेसेसरी दैट द वावल साउंड इज नेसेसरी। क्या लाजमी नहीं है कि वो जो हैं वावल से शुरू, बल्कि सिर्फ वावल साउंड जो है वो लाजमी है। अगर वावल साउंड पैदा करें और वो भी सिंगल वर्ड्स हों तो उनसे पहले एन का इस्तेमाल होगा, जिस तरह मैंने ये मिसालें दी हैं एम ए है। हालांकि एम जो है वो वावल नहीं है, लेकिन वावल साउंड लाजमाना है। अनेस्ट जो है, अनेस्ट जो है वो वावल नहीं है, लेकिन वावल साउंड लाजमी है। तो जो वावल साउंड पैदा करें उनसे पहले एन का इस्तेमाल होगा, और जो वावल साउंड पैदा ना करें तो उनसे पहले क्या होगा, ए का इस्तेमाल होगा। और ए के लिए भी वही शर्त है कि लाजमी नहीं है कि वो कौन, यानी कि अगर वो वावल से शुरू हैं लेकिन वावल आवाज़ दे रहे हैं तो वो एन का इस्तेमाल होगा उनसे पहले। अगर नहीं दे रहे हैं, जिस तरह यूनिवर्सिटी है, हालांकि यू जो है वो है वावल, लेकिन आवाज़ वावल की नहीं है, कॉन्सोनेंट की आवाज़ है, इसलिए इससे पहले ए का इस्तेमाल होगा। जबकि ऊपर वाली मिसाल में देखें अनफेथफुल, वो भी यू से शुरू है लेकिन वो वावल साउंड पैदा कर रहा है, इसलिए उससे पहले किसका इस्तेमाल होगा, एन का, और इससे पहले ए का। इस तरह यूरोपियन है, तो यूरोपियन ई जो है हालांकि वावल है लेकिन वावल साउंड नहीं क्रिएट कर रहा, इसलिए इससे पहले किस चीज़ का इस्तेमाल होगा, ए का इस्तेमाल होगा। तो इन शॉर्ट, अगर वो वावल साउंड पैदा करें तो एन का इस्तेमाल, अगर वावल की आवाज़ पैदा ना करें तो ए का इस्तेमाल। अब हम आते हैं द यूज ऑफ दी का इस्तेमाल। किसी आम चीज़ को ख़ास बनाने के लिए दी का इस्तेमाल होगा। जो चीज़ पहले ही ख़ास हो तो उससे पहले दी लगाने की ज़रूरत नहीं होती। मसलन जिस तरह ये चाइना है, लाहौर है, असलाम वगैरह है, लफ्ज़ गार्ड है, इससे पहले दी लगाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो दी का ना लगना अमूमी मायने देता है। मसलन मैं ये कहूँ कि मैंने मार डाला, तो इससे मुराद है कि हर शख्स जो है फानी है। अगर मैं ये कहूँ कि दी मैंने मार डाला, तो इट मीन्स कोई ख़ास आदमी है जो कि फानी है। तो आर्टिकल दी इज यू टू स्पेसिफाई अ थिंग एंड आर्टिकल दी इज नॉट यू टू जनरलाइज अ थिंग। अगर उसको स्पेसिफाई करना हो तो दी का इस्तेमाल होगा, और अगर उसको स्पेसिफाई ना करना हो तो दी का इस्तेमाल नहीं होगा। इसी तरह हमारे पास मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन में इट इज द नेम ऑफ मैटर आर सब्सटेंस दैट विच मेक्स इट इज द मैटर आर सब्सटेंस आर विच थिंग्स आर मेड। ऑब्वियस थिंग्स आर
मेड फॉर एग्जाम्पल गोल्ड सिल्वर वाटर मिल्क वीट काटन दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मटीरियल नाउन. तो आर्टिकल दी इज नॉट यूज बिफोर मटीरियल नाउन. फॉर एग्जाम्पल आई से द गोल्ड इज प्रीशियस देन द सिल्वर. तो द यूज ऑफ दी इज अननेसेसरी बिफोर गोल्ड एंड सिल्वर. ना गोल्ड से पहले दी का इस्तेमाल होगा ना सिल्वर से पहले इस्तेमाल होगा. क्यों? बिकॉज दीज आर मटीरियल नाउन. तो मटीरियल नाउन से पहले दी का इस्तेमाल नहीं होता. इसी तरह हमारे पास अब्स्ट्रैक्ट नाउन है. फॉर एग्जाम्पल अब्स्ट्रैक्ट नाउन ब्यूटी अनस्टी विजडम लाफ्टर एंगर. तो इनसे पहले भी दी का इस्तेमाल नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल दी अनस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. द यूज ऑफ दी इज अननेसेसरी बिफोर अनस्टी बिकॉज अनस्टी इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले अनस्टी से पहले दी का इस्तेमाल नहीं होगा. अब वेयर इट इज यूज्ड, आर्टिकल दी इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स ओशंस गल्फ्स माउंटेन्स एंड द होली बुक्स. फॉर एग्जाम्पल द रिवर्स बिफोर नेम ऑफ रिवर द रावी द इंडस द सतलुज द हिमालयाज द रेड सी द पर्शियन गल्फ द पाकिस्तान टाइम्स द होली कुरान एटसेट्रा. फॉर एग्जाम्पल आई रीड होली कुरान डेली. करेक्ट वर्ड विल बी आई रीड द होली कुरान डेली. आर्टिकल द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ होली बुक्स. नेक्स्ट आर्टिकल द इज यूज बिफोर यूनिक ऑब्जेक्ट्स. जो यूनिक ऑब्जेक्ट्स हैं फॉर एग्जाम्पल स्टार्स सन स्काई मून वगैरह इनसे पहले भी दी का इस्तेमाल होगा. फॉर एग्जाम्पल मून एंड स्टार्स आर शाइनिंग इन स्काई. दी मून एंड द स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई. इन दिस एग्जाम्पल दी इज यूज बिफोर मून स्टार्स एंड द स्काई बिकॉज ऑल दीज वर्ड्स आई मीन मून स्टार्स एंड स्काई आर यूनिक ऑब्जेक्ट्स. देयरफॉर आर्टिकल दी इज यूज बिफोर दीज वर्ड्स मून स्टार्स एंड स्काई. सिमिलरली आर्टिकल दी इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ नेशंस एंड कम्युनिटीज. फॉर एग्जाम्पल द मुस्लिम्स द हिंदूज द सिक्स द इंग्लिश एटसेट्रा. फॉर एग्जाम्पल द इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश. करेक्ट वर्ड विल बी इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश. इंग्लिश फर्स्ट इंग्लिश इज सब्जेक्ट एंड द इंग्लिश मीन्स द नेशंस. देयरफॉर आर्टिकल दी इज यूज बिफोर इंग्लिश. आई मीन आर्टिकल दी इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ नेशंस एंड कम्युनिटीज. सिमिलरली आर्टिकल दी इज यूज आफ्टर ऑल एंड बोथ एंड इट इज यूज बिफोर होल. फॉर एग्जाम्पल होल रूम वॉज सराउंडेड बाई द पीपल. करेक्ट सेंटेंस इज द होल रूम बिकॉज आर्टिकल दी इज यूज बिफोर होल. नेक्स्ट आर्टिकल दी इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ डायरेक्शंस. इफ द डायरेक्शन शो डायरेक्शन देन द आर्टिकल दी इज यूज. इफ दीज डायरेक्शन शो द नेम ऑफ कंट्री देन इट इज नॉट नेसेसरी दी इज यूज बिफोर. फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल दी इज नॉट यूज बिफोर साउथ अफ्रीका वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान. But if these words shows directions, for example, the sun rises in east and sets in west.
correct sentence will be the sun rises in the east and sets in the west. Thank you very much.